Students, this is your SST period and we are doing chapter agriculture from geography unit 2. So let us watch a video to know about different crops grown in different areas. Before starting the class, मैंने आपको यही बता दिया था कि जो crops हैं किस area में grow की जाती हैं वो किस पे depend रहता है, topography of soil and climate. क्योंकि climate और topography of soil जो होती है वो अलग अलग होती है अलग अलग area में, और उसके according ही जो countries हैं वो crops को grow करती हैं. So let us watch a video to know major crops grown around the world. So open your fair notebook. इम्पॉर्टेंट नोट्स में भी आप इसको लिख सकते हो या फिर आप रफ नोटबुक पे लिख सकते हो, बेटर रहेगा फेयर पे लिखते हो. इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप साथ के साथ लिखते रहोगे कि कौन से एरिया में कौन सी क्रॉप जो है वो ग्रो की जाती है, क्योंकि लास्ट में क्विज होगा और इसमें से कोई भी क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं. वॉच द वीडियो केयरफुली. हेलो स्टूडेंट्स, वी नो दैट मोस्ट ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर, बट अलोंग विद फूड agriculture also provides raw materials for other industries. There are a few crops that are quite important and are grown abundantly across the world. Today, let's learn about a few of these important types of crops. First, food or grain crops. Next, fiber crops. And lastly, beverage crops. अब देखो यहाँ पर मेन जो है वो थ्री टाइप्स ऑफ क्रॉप्स बताई गई हैं. फर्स्ट जो है फूड और ग्रेन क्रॉप्स हैं, सेकंड जो है वो फाइबर क्रॉप्स हैं, बीवरेज क्रॉप्स हैं. ठीक है, अब इनके बारे में हम फर्दर स्टडी करेंगे. द मोस्ट कॉमनली ग्रोन ग्रेन और फूड क्रॉप्स आर राइस, व्हीट, मेज एंड मिलेट्स. आप इसको क्या करो, एक टेबल बना लो जिसमें आप टाइप ऑफ क्रॉप लिखोगे, उसके अंदर कौन कौन सी जो है वो मेजर क्रॉप्स आती हैं, जैसे कि फूड और ग्रेन क्रॉप्स में कौन कौन सी आती हैं, राइस आते हैं, वीट आती है और मेज आती है ना, और लास्ट वन इज मिलेट्स. तो आप इनको ऐसे टेबल बना के लिख सकते हो ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए. द टू मेजरली ग्रोन फाइबर क्रॉप्स आर कॉटन एंड जूट. कॉटन और जूट जो है वो फाइबर क्रॉप्स में आएंगे. आप ये भी लिख लो सेकंड टाइप में. क्रॉप्स आर यूज्ड टू मेक थ्रेड्स दैट कैन बी कन्वर्टेड टू क्लॉथ एंड अदर प्रोडक्ट्स सच एज रोप्स एंड बास्केट्स. एंड द लास्ट वन ऑन आवर लिस्ट टुडे आर बेवरेज क्रॉप्स सच एज कॉफी एंड टी. नाउ Let's understand the conditions and places. अब हमने थ्री टाइप्स ऑफ जो क्रॉप्स हैं वो कर ली हैं, जो कि थी फूड एंड ग्रेन क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स एंड बेवरेज क्रॉप्स. तो ये आपको पता होना चाहिए कि इनके अंदर कौन कौन सी जो है मेजर क्रॉप्स आती हैं. ओके, सूटेबल फॉर ग्रोइंग दीज क्रॉप्स. लेट्स बिगिन विद फूड क्रॉप्स सच एज राइस, व्हीट, मेज एंड मिलेट, एंड अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ क्लाइमेट सूटेबल फॉर ग्रोइंग देम. Rice grows well in areas having high temperature and abundant rainfall. In contrast, both wheat and maize grow well in areas having moderate temperature and rainfall, along with bright sunshine. Millets grow well in areas having moderate to high temperature and low rainfall. Now let's see the type of soil they grow in. Clayey alluvial soil is required for growing rice. In contrast, fertile loamy soil is needed for growing both wheat and maize, and sandy soil is suitable for growing millets. Based on these climatic conditions and soil requirements, You can guess that right. अब देखो हर एक जो क्रॉप है उसकी जो कंडीशन है वो अलग है, उनकी डिमांड्स जो हैं, लाइक रेनफॉल चाहिए राइस के लिए, है ना, तो ये क्या रहता है, सनलाइट चाहिए, ये चीज़ें क्या होती हैं, कंडीशंस उनको चाहिए ही होती हैं अगर हमने क्रॉप्स को ग्रो करना है अच्छे से. अगर ये ऐसा क्लाइमेट होगा और ऐसा टॉपोग्राफी ऑफ सॉइल होगा तो ही हम क्रॉप्स को क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं. और हर एक एरिया का ये अलग अलग ही रहता है, हर एक एरिया में टॉपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट जो होता है वो अलग अलग होता है. कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पर बहुत ही ज्यादा रेनफॉल होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जहां पर मॉडरेट होती है, कुछ ऐसे होते हैं जहां पर होती ही नहीं है. तो अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट हम क्या करते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करते हैं. राइस वुड ग्रो बेस्ट इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजंस बिकॉज दे आर वार्म एंड रिसीव अ लॉट ऑफ रेनफॉल. डिड यू नो
that China is the world's leading producer of rice, followed by India. Wheat and maize both need similar climatic conditions. Countries such as the USA, Canada, India, and China are some of the major producers of these crops. Millets are grown in African countries such as Niger. आप ये अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए कि कौन सी क्रॉप जो है कहाँ कौन कौन से कंट्री में या कौन कौन से एरिया में जो है वो ग्रो की जाती है. It is important. And Nigeria. And in Asian countries such as India and China. Next, we have fiber crops such as cotton and jute. Let's understand the type of climate suitable for growing them. While both the crops grow well in areas having a warm climate, jute needs much higher rainfall than cotton. As far as soil is concerned, cotton grows well in black and alluvial soils. And jute grows well in alluvial soil. Since they need a warm climate, can you guess which countries they would grow well in? Yes. Tropical and subtropical countries are suitable for growing these crops. India is the largest producer of cotton, followed by countries such as Egypt, Pakistan, China, and Brazil. Bangladesh and India are the leading producers of jute. The last ones on the list are beverage crops such as coffee and tea. Let's understand the type of climate suitable for growing them. Coffee grows well in areas having a warm climate. In contrast, tea grows well in areas having a cool climate and rainfall all year round. Moving on to the soil requirements. Both crops need well-drained, loamy soil and they grow well on hill slopes. On the basis of their climate and soil requirements, Brazil, Colombia, and India produce most of the world's coffee. Also, Kenya, India, Sri Lanka, and China produce the best quality tea in the world. So today, we explored the major crops that are grown around the world. The next time you eat rice, drink tea, or have corn, remember how it grows and where it may have come from. Happy learning!